आज का जो जजमेंट है वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में नहीं है, ये हर महिला, हर शादीशुदा महिला के अधिकारों के पक्ष में है। आप ये जो कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, इसका कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट भी होना चाहिए। मुस्लिम महिलाएं गईं कोर्ट, गईं सर्वोच्च न्यायालय तक, और उन्होंने बोला कि ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा हक है, आप हमें अपना हक दिलाएं। तीन शब्दों में हमारा तलाक, हमारा डिवोर्स नहीं हो सकता, और मुस्लिम महिलाएं जीत गईं। ये आज का जो जजमेंट है वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में नहीं है, ये हर महिला, हर शादीशुदा महिला के अधिकारों के पक्ष में है। हम देखते हैं और हम सब जानते हैं कि जब ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं अगर काम करें भी या तो काम ना भी करें तो घर चलाती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं, हस्बैंड की परवरिश भी करती हैं, इन लॉज की भी परवरिश करती हैं, इन लॉज को देखती हैं। तो ये सब, ये जो पूरा कंट्रीब्यूशन है, ये हम इनके फाइनेंसेस में नहीं दिखता है, इनके बैंक अकाउंट में कभी नहीं दिखता है। तो मान लीजिए कभी ऐसी महिला को खुद के लिए अगर हैंडबैग लेना पड़ जाए तो इसके लिए पूछना, मतलब कभी कभी पूछना पड़ जाता है। अगर डिवोर्स हो जाए, अगर डिवोर्स तक हो जाए, तो फिलहाल अभी जो रूल है वो एक तिहाई या वन थर्ड या वन फिफ्थ, वन थर्ड टू वन फिफ्थ है कि वन थर्ड टू वन फिफ्थ उनको मिलेगा, लेकिन इतना भी कई बार नहीं मिलता, और इतना भी मिलने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है। तो आज उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है और ये डिसाइड किया है कि सब कुछ मध्य नज़र रखते हुए कोई भी मैजिस्ट्रेट जब देखेगा कि कितना मेंटेनेंस देना है या सीआरपीसी 125 के तहत कितना देना है उस महिला को जो क्लेम कर रही हैं, तो वो सब कुछ देखें, उनका हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आज ये जो जजमेंट आई है वो महिलाओं के हक के लिए, सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, सब महिलाओं के हक के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लोगों को जानना चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि कोर्ट जाए ना जाए, महिलाओं को मतलब अपने जहन में मालूम होना चाहिए कि जो आप फैमिली के लिए कर रही हैं, जो आप घर के लिए कर रही हैं, वो उसका कुछ बहुत महत्वपूर्ण, उसका मायने बहुत बड़ा है। और आपको, आप ये जो कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, इसका कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट भी होना चाहिए ताकि आपको हिचकिचाना ना पड़े अगर आपको कोई छोटी सी चीज़ चाहिए, या तो आपको खुद के लिए वो सिक्योरिटी चाहिए, या तो आपको वो जो कंट्रीब्यूशन है, आपको लगे कि वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आपको मिले और उसमें से आप घर में कंट्रीब्यूट, उसमें से आप घर चलाएं। ट्रिपल तलाक बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि मुस्लिम महिलाएं गईं कोर्ट, गईं सर्वोच्च न्यायालय तक, और उन्होंने बोला कि ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा हक है, आप हमें अपना हक दिलाएं। कि तीन शब्दों में हमारा तलाक, हमारा डिवोर्स नहीं हो सकता, और मुस्लिम महिलाएं जीत गईं। ये बहुत ज़रूरी जजमेंट है क्योंकि ये कहता है कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए ही नहीं, लेकिन सब महिलाओं के लिए ये हक है कि शादी में जो वो कंट्रीब्यूशन करती हैं उसको रिकग्नाइज होना चाहिए, उसको फाइनेंशियली रिकग्नाइज करना ज़रूरी है, और हमारा जो लीगल सिस्टम है उसको इस तरीके से एक्सपैंड करना है ताकि सबका कंट्रीब्यूशन रिकग्नाइज हो।